ग्वालियर जिले में बेखौफ हो चले बदमाशों ने डबरा में कृषि उपज मंडी के कारोबारी के घर आधी रात को फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में भरत साहू नामक कारोबारी हाथ और बाह में गोली लगने से घायल हुआ है। ये सनसनीखेज वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी के लिए ग्वालियर, भिंड, मुरैना और दतिया पुलिस को सूचित कर दिया। इसके बाद तड़के इन बदमाशों को मुरैना बैरियर पर दबोच लिया गया। कार में सवार चालक और चार बदमाशों के पास से 3 लाइसेंसी हथियार मिले हैं, लेकिन प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि यह हथियार उनके नहीं है। ये लोग बंदूकें किसी परिचित से मांग कर लाए थे। पकड़े गए आरोपियों में रोहित परिहार, सत्येंद्र रावत, बंटी साहू, अरविंद गुर्जर और कार चालक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में अपने परिचितों को लाइसेंसी हथियार देने वालों के खिलाफ अलग से कार्रवाई की जाएगी। ये घटना रात्रि लगभग 2 बजे की है। घटना होने के तत्काल बाद ही थाना प्रभारी और एसडीओ भी मौके पहुंचे थे। नाकाबंदी की गई और नाकाबंदी करने के बाद जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट से उनको अलर्ट किया गया, मुरैना पुलिस भी नाकाबंदी में शामिल हुई थी और घटना होने के 2-3 घंटे के अंदर ही मुरैना से जो घटना में प्रमुख 4 आरोपी हैं इनको हिरासत में ले लिया गया है। घटना में जो हथियार यूज किए गए हैं, जो इनके पजेशन में हथियार थे, वो हथियार भी 3 जो राइफलें थी, तीनों ही राइफल लाइसेंसी हैं। तो लाइसेंस होल्डर के द्वारा अपने हथियार इन लोगों को दिए गए थे, ऐसी जानकारी मिली है। तो घटना होने के करीब 3 या 4 घंटे में आरोपी हिरासत में आ गए। बाकी चीज़ें भी इन्वेस्टिगेट की जा रही है।